मौलाना अबू जफर एहसान नदवी साहब से आप सभी वाकिफ हैं। मौलाना अक्सर पीस टीवी पर आते हैं, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौलाना की वजह से फिर पीस टीवी जाना पहचाना जाता है। मौलाना जामिया अजहरिया काहरा से फारिग हैं। आपने काहरा यूनिवर्सिटी से आलिम की डिग्री हासिल की है। आप पेशे तदरीस से वाबस्ता रहे, कई दिनों तक आपने तालिबे इल्मों में वो उनसर पैदा करने की कोशिश की जो उनसर हमारा इस्लाम चाहता है, हमारा दीन चाहता है। मौलाना का सबसे बड़ा तारुफ ये है, इसके बाद किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। आज से तकरीबन 12 या 13 साल पहले साबिक वज़ीर मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया के फर्जन फरीद ज़करिया जब हिंदुस्तान आए थे, वो इन दिनों इब्तदा से ही अमेरिका में मुकीम है और अमेरिकन सियासत पर बहुत गहरी नज़र है और अमेरिकन सियासत में भी उनका बड़ा अमल दखल है और वहाँ सहाफत से वाबस्ता है। जब वो हिंदुस्तान आए थे तो मशहूर रोज़नामा इनकलाब ने आपसे इंटरव्यू लिया था, मुसलमान हाल माजी और मुस्तकबिल के आईने में। ये इंटरव्यू किस्तवार शाये हुआ। फरीद ज़करिया ने रूहानियत से परे सारे आलम के मंजरनामे में मुसलमानों की तस्वीर खींची थी। उस इंटरव्यू का जवाब पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने दिया है सिर्फ चंद घंटों में तो मौलाना अबू जफर एहसान नदवी साहब हैं। उस इंटरव्यू को बहुत पसंद किया गया, इतना मुदल्लल जवाब था कि अमेरिकन अखबारात ने भी उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके शाये किया, जिसे बहुत बहुत सराहा गया। मैं चाहता हूं कि ऐसी जयत शख्सियत को आप सुनें, अपने बच्चों के साथ सुनें। और इस इदारे ने अल्लामा इकबाल की जो फिक्र को आम करने की पहल की है उसमें आप साथ दें, और आपका साथ ये है कि आप जब तक प्रोग्राम ख़त्म न हो आप यहाँ पर ही बैठे रहें। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से अयाज शेख साहब का आपने इस्तकबाल किया, मौलाना एहसान नदवी साहब का भी आप इस्तकबाल करें, अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। हज़रात नशार के साथ के यकीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। शुक्रिया। पोशीदा राज जिंदगी कह दे, मुसलमान से हदीस से सोज़ो साज़ जिंदगी कह दे, मेरी मुराद आज के मुकर्रर मोहतरमुल मकाम मौलाना अबू जफर एहसान नदवी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाए और अपने तासुरात पेश करें। जनाब मौलाना अबू जफर एहसान नदवी साहब, शुक्रिया। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد आज की रंग नूर में डूबी हुई मजलिस के मेरे कारवां और इस शहरी के नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के इल्मी हलकों की जानी बूझी शख्सियत आली जनाब महमूद महबूब शेख साहब गुलबर्गा से तशरीफ लाए, मोतबर सहाफ़ी और अकबालियात पे मुनफरिद निगाह रखने वाले आली जनाब अयाज साहब, इस इकरा फाउंडेशन के सदर मोहतरम आली जनाब समीउल्लाह शेख साहब, यहाँ मौजूद बालिग नज़र असहाब अहले इल्म ज़ीशऊर अफराद, इकबाल ने कहा था मुझे आहो फ़ोगाने नीम शब का फिर पयाम आया, मुझे आहो फगाने नीम शब का फिर पयाम आया, थम रह लो कि शायद फिर कोई मुश्किल मुकाम आया। यकीनन ये मुकाम मुश्किल है कि अयाज साहब की तकरीर के बाद और आप लोगों के कई दिनों से इकबालियात से वाबस्ता रहने के बाद एक ऐसे शख्स को दावत दी जाए
जो अपनी असले के एतबार से मुल्ला है। और अगर कलाम इकबाल को पढ़ा जाए तो आप जानते हैं कि मुल्ला के मुकाबले में इकबाल ने कलंदर पहनी है। इकबाल को मुल्लायत पसंद नहीं है। अफरंग से वापसी के बाद कहते हैं मुझको तो सिखा दी है अफरंग ने जिंदगी। इस दौर के मुल्ला हैं क्यों नंगे मुसलमान। एक ऐसा मुल्ला जो नंगे मुसलमान इकबाल की ताबीर में है उससे ये कहा जाए कि मुसलमानों को राज़े जिंदगी दे दें। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला है, लेकिन आप सोचते हो कि मरहला मुश्किल है तो ये अल्लाह का बंदा है आया क्यों। मैं अर्ज करूँगा आपसे, अब मेरे लिए सब वाकई एक उलझन है कि मैं बात शुरू कहाँ से करूँ। एक ऐसी शख्सियत जो मुतनव्वे है, ऐसी शख्सियत जो पहनीदार है, ऐसी शख्सियत जो अपने से कब इंसानी विरासत का तन्हा अमीन है और जिसने इन अमानतों को अपने अशार के जरिए दुनिया के हवाले किए हैं। वो शख्स जो अपने बढ़मन होने पर भी नाज करता है, वो शख्स जो अपने मुसलमान होने पर फख्र करता है, वो शख्स जो शाहों को मशवरे देता है, वो शख्स जो कलंदरी इख्तियार करता है और दरवेशी को अपना मिजाज करता है, वो शख्स जो अपनी अजमतों के सहारे अपने को गजनवी का हम पल्ला समझता है और अपनी तवाज़ो इंकिसारी के बायस अपने को अयाज के हम रुतबा समझता है। कहता है तबीयत गजनवी किस्मत अयाजी। आप कहते हैं हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। इकबाल ने हमेशा फिक्र फन की बुलंदियों को लेकर सोचा है, लेकिन इस जमीन से अपने रिश्ते को तोड़ा नहीं। उन्होंने जमीन को अहमियत दी, उन्होंने इंसानियत को अहमियत दी, इंसान को अहमियत दी। इंसान उनके नजदीक कितना है सुने आप। इंसान की पैदाइश के मौके पे कहते हैं हदर बरखेज की आदम रा हंगामे नमूद आमद। बरखेज की आदम रा हंगामे नमूद आमद, ये मुश्त गुबारे रा अंजुम बसजूद आमद। आराज की पोशीदा दर सीने हस्ती बूद, अब शोखी आबो गिर दर तुस्त शनीद आमद। ये इंसान की पैदाइश का वक्त है, विलादत हो रही इंसान। अभी आदम बैन अल्माय व तीन मिट्टी और पानी के दरमियान खमीर तैयार हो रहा है, मसाला बन रहा है आदम का। और फिर उस वक्त और अक्षर में कहते हैं खबर रफ जे गर्दू बशबिस्तान आदम। खबर रफ्त से गर्दो बशबिस्तान अदल हजर आए पर दगिया पर दधरे पैदा। कहते हैं ये खबर पहुंच गई शबिस्तान अदल तक, अब पर्दा नशीनो होशियार हो जाओ, पर्दा दरी करने वाला पैदा हो गया। हजर आए पर दगिया पर दधरे पैदा। जिंदगी गुफ की दरख्वास्त तपीदम हम उम्र। जिंदगी गुफ की दरख्वास्त दरख्वास्त तपीदम हम उम्र,
ताजी गुम्बदे देरीना धरे पैदा शक। जिंदगी कहने लगी कि मुद्दतों जमीन के अंदर तड़पती रही हूं, बेचैन रही हूं, तपती रही हूं, शायद गुम्बदे अफलाक से कोई डर पैदा हो जाए, कोई आए। फितरत आशफ की अज खाके जहाने मजबूर, फितरत आशफ की अज खाके जहाने मजबूर, खुद गरे खुद शिकने खुद नजरे पैदा। तो वो पैदा हुआ है जो अपनी तामीर आप करेगा, वो पैदा हुआ है जो अपने को खुद तोड़ेगा, खुद से शिकस्त खाएगा, वो पैदा हुआ है जो अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालेगा। आसान नहीं था। इससे ज्यादा वजाहत के साथ उन्होंने उर्दू में कहा है, फरिश्ते आदम को भेज रहे हैं दुनिया में अलविदा कहने आए हैं, सियाह करने आए हैं, रुखसत करने आए हैं। कहते अता हुई है तुझे रोज और शब की बेताबी, अता हुई है तुझे रोज और शब की बेताबी, खबर नहीं कि तू खाकी है या किसी माबी। सुना है खाक से तेरा नमूद है, लेकिन तेरी सरिश्त में है कौ कभी महताबी। बनाया तो गया है तू मिट्टी से, लेकिन तेरे दाढ़ी न बजेंगे, मुझको बहुत चिढ़ है। कहते हैं लेकिन तेरी सरिश्त के अंदर कौ कभी नूरानियत रोशनी है, वह भी नजम हूं या तदून, लोग सितारों से राहें पाते हैं, रोशनी मिलती है, महताबी है, नूरानियत। और फिर जब इंसान जमीन पे आया, अब देखिए कोई दाया नहीं है, कोई नस नहीं है, पहला इंसान जमीन पे आया है। जमीर कायनात कह रहा है, कहते रूहे अरबी उन्मान मतलब का रूहे अरबी आदम का इस्तकबाल करती है। खोला देखिए, मैं अपनी बात कहने के लिए बात कर रहा हूं। खोला जमी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, उस जलवाए बे पर्दे को पर्दे में छुपा देख, अय्या में जुदाई के सितम देख, जफा देख, बेताब न हो माल कहे भीम रजा देख। है तेरे तसव्वुफ, है तेरे तसर्रुफ में, है तेरे तरस, है तेरे तसर्रुफ में घटाएं हवाएं, ये गुम्बद अफलाक, ये गर्दू, ये फिजाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समुंदर, ये हवाएं, थी पेश नजर कर तो फरिश्तों की अदाएं, अय्याम में आई में अय्याम में आज अपनी अदा देख। अब इंसान को मुकम्मल तौर पर ये कायनात हवाले कर दी गई, अब यही इंसान है